जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार कानून की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर अड़ियल रवैया के थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव के द्वारा बड़ा खेला खेला गया है। यह मामला कहीं और का नहीं, जनपद के खंडासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बकचुना गांव का है, जहां के निवासी 22 वर्षीय रंजीत पुत्र कमलेश का शव बीते शनिवार की शाम घर से कुछ ही दूरी पर छप्पर की झोंपड़ी के बडेरी से लगे बांस से लटका हुआ मिला। शव ग्रामीणों को दिखाई दिया, वहीं ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को छप्पर की बडेर से लगे बांस से रंजीत को लटके होने की सूचना चौकी प्रभारी खंडासा अश्विनी कुमार सिंह को दी। तत्काल आनन फानन चौकी प्रभारी ने मई पुलिस बल के साथ पहुंचे मौके पर, जहां शव को कब्जे में लेते हुए, वहीं सबसे बड़ी बात, मृतक की माता मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए थाना प्रभारी मनोज यादव पर गंभीर आरोप लगाया और बताया, मुझे यहां थाने पर बैठाया गया और उधर जानवरों की भांति जेसीबी के माध्यम से मेरे मृतक पुत्र को जानवरों की तरह रात्रि में दफना दिया गया। मामला द्वारा स्वर्ग काटी गई मेहती यही काम मामला रहा, वो के बाद में मार गए हैं, मारने लगे चैला स्कूल से लेके। कौन मार रहा था? सहजदान। सहनाज। हाँ सहजदान मारा था, मुंह बंद करके मारा, चिल्ला नहीं पावा, वो के बाद में जो है कि कहीं जहाँ तक जाओ स्वर बंद करो, सगड़े पाँच छोड़े रहे, दूसरे बच्चे चला चला कहाँ के लाए हैं, तो हमारा बच्चा जो छगड़ी चला तो देर मचा है, तो एक लड़की बोली कि अपन स्वर बंद कर लिए, स्वर बंद करके भूसी खंगाने के लिए जो है कि तटिया खोला, तो हमारा बच्चा भी खड़ा भी घटे लगाई फांसी से लपेट दें, जैसे ऊँचा और कुछ बने जैसे खड़ा कर दें, पतीली सब कुछ धरा बेंच पे, वही बेंच पे बोल रहा शायद। तो ये घटना कितने तारीख की है? 4 तारीख। 4 तारीख से, 4 तारीख से आज तक आप जो आपका एप्लीकेशन लिखा गया है थाने पे, तहरीर ली गई है? हम परसों में एप्लीकेशन छोड़ के गई थी। हाँ। हमारी एप्लीकेशन काल में रिपोर्ट नहीं लिखा गया, तो आज जो हम सबको फिर से बुला करके लाए, तो आप यहाँ थाने पे कितने देर से, कब से बैठी हैं? हम सवेरे से आए हैं थाने पे। सुबह से आप बैठी हैं? हाँ। अभी आपकी एप्लीकेशन लिखी गई। इसमें कौन कौन से आपके साथ में आए जो आपकी एप्लीकेशन अभी तक नहीं लिखी गई? आप कब से बैठी हैं थाने पे? एप्लीकेशन लिखी गई, अब उसका कॉपी भी। आप स्वयं आई हो कि कोई लेके आया पुलिस? नहीं पुलिस नहीं, आप हम आए। जैसा कि हर बार एप्लीकेशन बदली गई लिखाने के बाद, वो दिन लिखे रहे तो आज क्यों बदले? क्यों बदले? कौन बदला एप्लीकेशन? कौन बदला एप्लीकेशन? अभी नहीं दरोगा रहे जो बदलेंगे। क्या नाम है दरोगा जानती हो? जैसा कि मामला सामने आ रहा कि आपके बच्चे को जेसीबी से खोद कर दफन कर दिया गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? साहब हमारा न्याय चाहिए सही, इनका सजा दी जाए, जो क्या आप लोग की मर्जी से बच्चे को दफन किया गया है जेसीबी से खोद कर? हम भी यहाँ भी रहे। आप कहाँ थे उस समय? हम यहाँ थाने एप्लीकेशन छोड़ने आए हैं। आप लोग थाने पे थे? हम थाने से जब यहाँ से गए तो क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा सूचना ये नहीं दी गई आपके बच्चे को दफन कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं, उधर से फोन आवा तो हम कह रहे हमारे हमारे बच्चों को मट्टी नहीं दी जाए, लेकिन अटने पाए नहीं हुआ, जैसे मट्टी कह दिया। FIR लिखने का कोई औचित्य है क्या? FIR कॉपी आप लोगों के हाथ में आई? अभी कहाँ, अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, आप भी लाग कर रहे हैं 300। और PM रिपोर्ट से हम लोग सहमत नहीं है किसी भी हालत में, यही PM रिपोर्ट लगा देंगे उसमें, वो तुरंत फिर बड़ी हो जाएगा। रिपोर्ट हमारी PM फिर से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम उसका। 15 फुट नीचे दबवाने की आवश्यकता थी? 15 फुट, 5 फुट पहले से खुदा है तो 15 फुट के ऊपर। किस चीज से दफनाया गया? बिना परिजन के पहुंचे हुए? परिजन को लाश ना दे करके प्रशासन ने 15 फीट गहरे लाश को गड़वा दिया, वो भी रात में जीसीबी से। मैं शासन को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि इन प्रशासन पुलिस प्रशासन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और पुनः उस लड़के की पोस्टमार्टम होनी चाहिए, तभी हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं, अन्यथा संतुष्ट नहीं हो। क्या PM के लिए नहीं भेजा गया था? नहीं, PM के लिए भेजा गया, लेकिन वही PM रिपोर्ट तो लगाई जाएगी, अभी जो लाज हुआ है आई हुई है, PM वही तो PM रिपोर्ट लगाई जाएगी, उसमें वो बाइजत भरी हो जाएगी, उसमें उसमें क्या रह गया है? क्या FIR कॉपी अभी तक नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली, अभी बाकी एक चीज ये बता रहे हैं वहाँ से कि आप लोग वहाँ से हट जाइए, धारा 144। जैसे कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लगभग कई FIR कॉपियाँ वहाँ पे तैयार की गई, ऐसी कोई बातें हैं क्या?
अभी तो कोई FIR ही नहीं लिखी गई थी अभी तक। जा रही है। हाँ, बार बार बदलवाई जा रही है, दो तीन FIR हो चुकी है। शुभ नाम क्या है आपका? अजय कुमार सिंह। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा, जिला अध्यक्ष हिंदू वाहिनी अयोध्या। हम लोग ये चाहते हैं कि उस बच्चे की लाश पूना पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाए, उसको दोबारा। हम लोग उसके बाद सही करें, सहमत नहीं है दोषी को अपराधी। मैं बबलू तिवारी, जिला अध्यक्ष हुआ मोर्चा अयोध्या। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है दोबारा पोस्टमार्टम हो उसका, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाए। जैसे जो ये भी लगातार तहरीर बदलने का मामला आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? तहरीर देखिए भैया, इसमें दो बार तहरीर बदली जा चुकी है। अभी तक तहरीर ही दी गई थी, कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई थी। अब जाकर के 10 बजे उस पर FIR पे जो है लिखी गई है रिपोर्ट। वो भी हम लोगों के द्वारा जानकारी आ रही है कि मृतक की माँ को थाने पर बैठाया गया है। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।